अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कहाँ था मैं? आज हमने जाना था हुंजा, और हुंजा जाने के लिए सुबह जल्दी उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और रात को 4 बजे सो के सुबह जल्दी उठना मुश्किल काम था, जो हमने करने की कोशिश की और उठे तकरीबन 10 बजे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द 3rd डे ऑफ आवर ट्रिप। आज फाइनली हम लोग हुंजा चले जाएंगे किसी ना किसी तरह। कल बहुत मुश्किल हुआ, मैं कल का व्लॉग में क्लोज भी नहीं कर पाया था इसी वजह से, क्योंकि हम लोग तकरीबन 7 घंटे लगे हैं हमें फेरी मेडोज पॉइंट से लेके यहाँ तक आने के लिए। तो आज हम जा रहे हैं अलतीत बलतीत और हुसैनी ब्रिज। यहाँ थोड़ी करेक्शन की ज़रूरत है, अलतीत बलतीत हम नहीं जा पाए क्योंकि हमारे पास टाइम कम था। आप अगर हुंजा पहुँच जाएँ तो सुबह सुबह उठकर वहीं जाइएगा, इंशाल्लाह वहाँ पे जाके आप लोगों को अपडेट बताता हूँ मैम किस तरह से मैनेज करना। यार ये कैमरा आ रहा ऊपर, यार तस्वीरें बना लो तो मैं व्लॉग ना करूँ। अब जल्दी चाहे जितनी भी हो, नाश्ता किए बिना तो नहीं जा सकते ना, तो सबसे पहले नाश्ता कर लें। और हुंजा जाते हुए फिर से ये खूबसूरत नज़ारे एंजॉय करना मत भूलिएगा। याद रखना कि सफर को खूबसूरत दोस्त ही बनाते हैं, तो सफर में अपने साथ अच्छे दोस्त ही रखना। हुंजा में अगर पेट्रोल की शॉर्टेज चल रही हुई तो मुमकिन है कि कोई आपका दोस्त पहले से हुंजा में फंसा हो, तो जाते हुए पेट्रोल लेते जाइएगा और अपने उन दोस्तों को दीजिएगा और फिर अपना सफर जारी रखिएगा। हुंजा जाते हुए रास्ते में आते हैं राकापोशी व्यू पॉइंट, जो कि आपको लाजमी देखना चाहिए। हमने नहीं देखा क्योंकि हमारे पास टाइम कम था। हुंजा बाज़ार पहुँचे, वहाँ से अपने पीने के लिए खाने के लिए कोई चीज़ लें। हमें प्यास बहुत ज़्यादा लगी थी क्योंकि गर्मी बहुत शदीद थी। उसके बाद पहुँच जाएँ करीमाबाद बाज़ार में, होटल बुक करवाएं, अपना सामान रखें और निकलें सीधा हुसैनी ब्रिज देखने। आप तो सुबह हुंजा में उठेंगे तो अलतीत बलतीत देखने के बाद सीधा निकल जाइएगा अताबाद लेक के लिए, जो कि हमने नेक्स्ट डे के लिए छोड़ दी थी, लेकिन आप ज़रूर जाइएगा। अताबाद लेक जाते हुए 7 किलोमीटर लंबी 5 टनल से आपका गुजर होगा, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत और इंतहा किस्म की ठंडी होती हैं। अताबाद लेक से जब आप आगे निकलेंगे हुसैनी ब्रिज की तरफ, तो रास्ते में इस पॉइंट पर रुकना मत भूलिएगा अगर आप गर्मियों में जा रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ की हवा बहुत ही ठंडी होती है। जब से हम लोग मुल्तान से चले हैं, अगर ठंडी हवा किसी जगह पे हमें मिली है ना, तो वो ये जगह। सामने नजारा कुछ है। हुसैनी ब्रिज पर है टिकट 100 रुपीज़ है, लेकिन डिस्काउंट कर देते हैं, हमने 7 लोगों का 500 दिया था। आए थे हम हुसैनी ब्रिज पे कि ब्रिज क्रॉस करेंगे, एंड तक जाएंगे, ये वो, सिर्फ आधा भी नहीं है वो वहाँ तक बंद किया हुआ, और 100 रुपये टिकट भी है। ये बड़ी बड़ी बातें मैं अभी कर रहा हूँ, जस्ट नहीं समझे, देख लो। अब हम जाने लगे हैं हुसैनी ब्रिज। रेडी हो सारे? नो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे देर से फेस चेक करो, मैं निकल रहा हूं। तुम आई लो ना यार, ये तो खतरनाक है भाई। कहता है, मैंने कहा पीछे रो, अच्छा इतना इतना डर गया वहां पे जाके पिक्चर की सीन में भाग के। भाई भाई भाई, मैंने कहा पीछे लो, पता है क्या था यार, भूल नहीं रहे अभी जाने दे।
हमने मोबाइल में पिक्चर ले ली, ले ली नहीं, बना वीडियो बना अपना। अरे बिस्सी कर रहे हैं यार। नहीं नहीं तू मुश्किल टॉप पे नहीं गया। नहीं नहीं आगे तक जाने दे, तो मजा आ। दाहिर भाई के इंतजार में ठहरा रहा हूं। दाहिर भाई तुमने बुला लिया, अभी मैंने उसको और जलील करना था, खड़ा हो गए। दाहिर भाई तू मुश्किल टॉप पे नहीं गया, तू बाबू सर पहाड़ी पे नहीं गया, उस सैंडी ब्रिज पे नहीं गया। अब तो दोबारा करना ही पड़ेगा ये। अब यहाँ पर बैठे हैं जरा थोड़ी रिफ्रेशमेंट के लिए, पकौड़े वगैरह खाने के लिए, दाहिर भाई की फरमाइश पे यहाँ से खाने। अब हुसैनी ब्रिज पर बेइज्जती करवाने के बाद वापस निकले सीधा करीमाबाद बाजार की तरफ। करीमाबाद में आपको होटल थोड़ा सा महंगा मिलेगा, लेकिन मेरी माने तो करीमाबाद में ही रुकें, वरना अगर आप चाहें तो नीचे हुंजा बाजार में भी रुक सकते हैं, जहां पर आपको रेट निस्बतन कम देखने को मिलेंगे। हमें यहाँ पर जो होटल मिला वो मिला इस प्राइस में। हमारी मांगे पूरी करो। अब पूरा दिन घूमे हैं तो अच्छे खाने की जरूरत पड़ेगी, तो करीमाबाद बाजार में निकले और एक अच्छा सा खाने का पॉइंट ढूंढे। खाना खा चुके हैं, अब टाइम है थोड़ा सा बाजार विजिट करने का करीमाबाद का। और ये भाई की दोस्ती भी लगी नहीं है। किसके साथ लगी? इंटरव्यू करवाओ उसका, इंटरव्यू कराओ। इबादत भाई उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही बहुत अच्छे थे, तो हमें यहाँ पर खाने का बहुत मजा आया, जिसका टोटल बिल हमारा इतना बन गया। अब आज का दिन काफी लंबा हो गया है, अब सो जाना चाहिए, जाकर सो जाएं अपने होटल में। और मुझे दें इजाजत, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।